अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 5 टेबल स्पून। इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसको भूनना है 5 to 6 मिनट्स के लिए। इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी और उसके बाद बस फ्लेम को टर्न ऑफ कर दें। इसके बाद मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें चिकन डाल दिया है 1 कप। इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसके अंदर डाल देना है वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें डालना है नमक 1/2 टीस्पून और लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर जाएगा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड होगा रेड चिली सॉस 1/2 टेबल स्पून और इसके बाद इसके अंदर ऐड होगा सिरका 1/2 टीस्पून। बस ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कुक कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद एक पैन में 3 कप दूध लिया है मैंने और बस फिर जब दूध बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड होगा इसके अंदर, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको फिर मिक्स कर लें। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसके अंदर ऐड कर दें क्रीम 5 टेबल स्पून। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ ही रखें। बटर ऐड करना है इसके अंदर 3 टेबल स्पून और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हमने जो रोस्ट किया था मैदा वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे स्मॉल पोर्शंस में, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है इसके अंदर और उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे सारा मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके बाद आप फ्लेम मीडियम रख लें और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं कैरेट्स, गाजर, उनका मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है और इसके अंदर फिर मैंने ऐड किया है शिमला मिर्च, उसको भी मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था, डाइस कट कर लिया था। इसके अंदर आप हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं और बस फिर इसके अंदर वाइल्ड पास्ता ऐड कर दें और उसको मिक्स कर लें। ये वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर हमारा जो चिकन है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हमारा वाइट सॉस पास्ता हो जाएगा रेडी। आप सब ट्राई कीजिएगा।